अयोध्या में माता सबरी के नाम पर रसोई घर भी प्रारंभ हो गया है। क्या माता सबरी के अनुयायी पीडीए के हिस्से हैं या नहीं है? रेन बसेरा भी अयोध्या में बन गया है और ये निषाद राज के नाम पर बन गया है। क्या निषाद राज के अनुयायी पीडीए के पार्ट हैं या नहीं है? प्राचीन कुंडों का पुनरोद्धार हो रहा है, भरत कुंड, राम की मर्यादा, परिवार की मर्यादा। क्या परिवार की मर्यादा है? यहां तो पीडीए, हमारे डिप्टी सीएम ने कहा पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है। वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। कब तक ये न्याय होगा? पता नहीं, महाभारत को एक बार पढ़िए महाभारत। हाँ, एकदम। आखिर परिवार के तीन सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था? अरे उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे। बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है पीडीए में है ही नहीं। इसीलिए कह रहे ना कि उन्होंने चाचू को ही भुला गए परिवार के, यानी इस प्रकार से उन्होंने विस्मित कर दिया। के साइडलाइन में थे ही नहीं, कैमरे के फोकस में नहीं थे, अब रेड कार्पेट पे नहीं चल पाए। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि चाचू को ही भूल गए और बेचारे चाचू देखते रह जा रहे हैं कि ठगे गए एक बार फिर। अब ये तो अगर प्रभु राम को ये लोग मानते तो चाचू के साथ अन्याय नहीं करते। रामायण से सीखते, रामायण में सीखते, या फिर कम से कम महाभारत से ही सीख जाइए। और आप तो वैसे भी कभी कभी आपके बयान आते रहते हैं, लेकिन आप फिर भी बोलते हैं, आप आस्था के बारे में जरूर बोलते हैं। आप देखे, देखो अध्यक्ष महोदय, एक महोदय, कैमरे में क्यों नहीं थे? कैमरे के फोकस से बाहर क्यों थे? साइडलाइन क्यों थे? उसको भी बोला। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज।